एक बड़ा सवाल जो इस पूरे हत्याकांड को लेकर खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या वहां पर कोई चौथा शख्स भी मौजूद था, क्या मौके पर कोई चौथा शख्स मौजूद था। अभी तक हत्याकांड में तीन आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, हालांकि इन तीनों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन चौथे शख्स को लेकर सवाल पूछा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हैंडलर का इशारा मिलते ही इन लोगों ने अतीक को गोली मार दी थी। आरोपियों के पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं है, लिहाजा चाक चौबंद इंतजाम जो है उन्होंने पहले से कर रखे हैं। हैंडलर के इशारे पर आरोपियों की मूवमेंट हुई थी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संतोष मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत की जुड़ रहे हैं। संतोष, चौथे शख्स का नाम आ रहा है, ये खबर, ये एंगल कहां से निकलकर आता है अतीक और अशरफ हत्याकांड में? देखिए, अतीक और अशरफ हत्याकांड में जो शूटर्स हैं उनकी पहले सीधे कोई अतीक अहमद से कोई दुश्मनी कोई नजर नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ इनको जो सोफिस्टिकेटेड वेपन जो पिस्टल मिली है जिगाना, वो इनके बैकग्राउंड से मैच नहीं खाती है। ना तो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा है कि जिससे लगे कि इनको किसी ने दिया होगा, ये खरीद सकते हैं उसको। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद और अशरफ को मारने के बाद जिस तरीके से पूरा प्लॉट तैयार किया गया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन इनके पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ, ये तमाम कहानियां हैं जो पुलिस के गले नहीं उतर रही हैं। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तो सिर्फ चेहरे हैं, ये एक मोहरे भरते, इसके पीछे के किरदार और हैं। तो एक वो चौथा शख्स हो सकता है जो उस घटनास्थल पर मौजूद हो, जिसके इशारे पर इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। क्योंकि अतीक अहमद की तबीयत खराब होती है, अचानक से उसको अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पर इसकी जानकारी इनको कैसे मिली? क्योंकि ये ना तो प्रयागराज के रहने वाले हैं, ना ही पेशे से पत्रकार हैं, ये पत्रकार बनकर के गए थे, तो पेशे से पत्रकार भी नहीं है कि इनके पास कहीं किसी सिस्टम से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से इनके पास इन्फॉर्मेशन आई हो। यानी कि ये लगातार किसी के द्वारा ये गाइड किए जा रहे थे और उसी के बाद ये लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर शूट आउट को अंजाम देते हैं। तो ये तमाम सवाल है, पुलिस को शक है कि ये तीनों तो चेहरे भर है, पर्दे के पीछे इनका हैंडलर कोई और था। वो हैंडलर कौन था जिसने जिगाना पिस्टल दी, जिसकी वजह से इन लोगों ने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? हालांकि शुरुआती पूछताछ में इन्होंने कहा कि हम बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या की। लेकिन बड़ा माफिया बनने के लिए एक दूसरी चीज भी कि पुलिस कस्टडी में हत्या की, तो उसमें पुलिस की तरफ से एनकाउंटर का भी तो डर था कि जिंदा रहेंगे तो बड़े माफिया बनते। तो ऐसे में पुलिस को शक है कि इनके पीछे हैंडलर कोई और था जिसकी एक एक लाइन उसको गाइड कर रहा था, चाहे वो घटनास्थल पर मौजूद हो, क्योंकि इनके पास तीनों की कनेक्टिविटी का कोई बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। तीनों संतोष, ये बड़ी दिलचस्प बात भी है कि ये तीनों जो हैं ये अलग अलग इलाकों से आते हैं, एक साथ रुक जाते हैं और इन तीनों का आपस में भी कोई संपर्क नजर नहीं आता, उसके बाद फिर इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। बहुतेरे सवाल है, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि रिमांड जो है वो मंजूर हो चुकी है। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कितने दिनों की रिमांड है, लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारियां जो है वो लगातार आ रही। संतोष मेरे साथ बने हुए। संतोष, सवाल मेरा फिर वही कि तीन आदमी अलग अलग इलाकों से, इनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, कैसे ये जुड़ते हैं, कैसे एक साथ आते हैं, कौन इनको बंदूक देता है, किसके इशारे पर ये कैमरा खरीदते हैं? क्योंकि इनके बैकग्राउंड या इनके दिमाग को देखकर लग नहीं रहा कि इतने सारे क्रिएटिविटी जो है वो इन्होंने अकेले अपने दम पर कर ली होगी और सारी जानकारियां निकाल ली होगी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शक पैदा करती हैं। एक जिगाना पिस्टल का यूज, कि इनके पास जिगाना पिस्टल किस नेटवर्क से आई, उसके बाद ये आपस में तीनों लोग कैसे जुड़े, चूंकि एक बांदा का रहने वाला है, एक हमीरपुर का रहने वाला है और एक कासगंज का, तो इनके आपस में जुड़ने का कोई कनेक्शन तारतम्य समझ में नहीं आया। साथ में कभी कोई अपराध नहीं किया, कोई तीनों एक साथ कभी किसी जेल में नहीं रहे बहुत लंबे वक्त तक। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से पुलिस को शक है कि इन तीनों का आका कोई और है जिसके इशारे पर इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।